Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम बात करने वाले हैं HTML में किस प्रकार से हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि बैकग्राउंड को कलर करने का क्या तरीका है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं. ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है. न्यू फाइल ले लेंगे. अब यहाँ पे न्यू फाइल हमारे पास है. अब देखिए हमको क्या करना है. सबसे पहले शुरुआत करनी है HTML से, तो यहाँ HTML लिख दिया हमने. ठीक है, इसके बाद आना है यहाँ नीचे, हेड लिखना है. हेड के बाद टाइटल आएगा. टाइटल लिखने के बाद इसमें टाइटल दे देते हैं कि क्या इसका टाइटल है. जैसे मैं देता हूँ फॉन्ट कलर एंड बीजी कलर. ठीक है, ये दोनों टाइटल दे दिया. बीजी कलर माने बैकग्राउंड कलर. ठीक है, TITLE. ठीक है, इसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको क्लोज करना है हेड को, HEAD. हेड को क्लोज करने के बाद जब नीचे आएंगे तो बॉडी लगाएंगे, और यहाँ पर अगर हम जो कलर देना चाहें दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ बॉडी बीजी कलर. अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर लगा रहा हूँ मैं. बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक, PINK. देखिए कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, कोड की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. अभी ये सिर्फ मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया. अब जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब जो भी हम चाहते हैं कि हम लिखें वो जो है किसी अलग कलर में आए. जैसे बैकग्राउंड पिंक हो और लिखावट वाले अक्षर जो है किसी और कलर के हो, तो पैराग्राफ स्टाइल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, COLOR कलर. ठीक है, जो भी कलर का नाम देना चाहें दे सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ ग्रीन. ठीक है, तो ये दे दिया हमने, और यहाँ से यहाँ तक इसको जो है ऐसे रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे इसको करिए क्लोज. अब जो भी लिखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ये लिख दिया हमने. ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे पैराग्राफ को. ठीक है, और यहाँ br लगा दीजिए, यानी ब्रेक टैग. ब्रेक टैग एक सिंगुलर टैग होता है, मींस कि ये एम्प्टी टैग होता है. इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं. ये मैंने कॉपी किया और इसको डाल दूंगा नीचे, पेस्ट कर दूंगा. अब हमको सिर्फ कलर का नाम भर चेंज करना है. यहां से अगर हम कलर का नाम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको कर देता हूं मैं ब्लू, BLUE, तो ये लिखावट के अक्षर जो है ब्लू कलर में आएंगे. फिर इंटर करके नीचे आऊंगा, कंट्रोल भी करूंगा, ये पेस्ट हो जाएगा. और यहाँ पे कर दूंगा मैं येलो, YELLOW, तो लिखावट के अक्षर येलो कलर के आएंगे. फिर इंटर करूंगा, नीचे आऊंगा, और यहाँ पे कर देने वाला हूँ मैं वायलेट, VIOLET, वायलेट. ठीक है, इतना करने के बाद अब आइए इसको क्लोज करते हैं एक एक करके, और देखते हैं कि इसका कलर कैसा आ रहा है. ठीक है, यहाँ लिखा बॉडी. ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे HTML दे देंगे, ये हमने दे दिया. अब इसको सेव करने की बारी है, तो यहाँ से सेव करते हैं इसको. लिखता हूँ यहाँ पे कलर डॉट HTML लगाना जरूरी है, एक्सटेंशन है ये. ठीक है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इंटरफेस किया हमने, अब इसको रन कराने का टाइम है, तो यहाँ से रन करवाता हूँ मैं. ये रन करवा दिया, ये ब्राउजर के ऊपर रन होता है. भी आ जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा स्पीड स्लो है, दो दो पेज हमने खोले हैं. ये देखिए,
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो कलर हमने दिए थे, चूंकि बैकग्राउंड में हमने क्या लगाया था, पिंक लगाया था, और बाकी सारे कलर जो है यहाँ पे देखिए, हेलो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जो भी कलर हमने लगाया जिसके भी अकॉर्डिंग जो भी नाम दिया उस कलर के ये आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी साइज़ को भी आप बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपने कलर ये जो दिया है ना, इसकी जगह आप ये साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कलर कैसे करते हैं ये बात समझ में आई होगी आपको, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। अगले वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कलर को, कलर भी लगा सकते हैं हम टेक्स्ट के ऊपर, और किस प्रकार से साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।